तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मास्टर जिंग को रिफाइनिंग टेक्निक के बारे में सिखा रही थी, जिसमें पहले उन्होंने उसे फायर कंट्रोल और उसके बाद उन्होंने उसे हर्ब्स के बारे में सिखाया था, और इन सब चीजों को जिंग ने बड़ी आसानी से सीख भी लिया था। तो अब इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में जैसा कि मास्टर ने जिंग से पूछा था कि क्या तुमने कभी रिफाइनिंग टेक्निक ट्राई की है, तो इस पर जिंग उनसे कहता है कि नहीं, मैंने इसे कभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन मैंने उनके बारे में बहुत सी बुकों में पढ़ा है। तो फिर मास्टर जिंग से कहते हैं कि मैंने भी जब पहली बार इस बुक में पढ़ा था तो मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं इस चीज को मैं इतना आगे तक पहुंच जाऊंगा, और मुझे तुम में भी वही टैलेंट दिखाई देता है जिस मुझे में दिखाई देता था उस टाइम पर। तो अब जिंग उन्हें थैंक यू कहता है और फिर से रिफाइनिंग में लग जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इस बार भी उसकी रिफाइनिंग बोल मतलब कि मेडिसिन फिल तैयार होने लगी थी, और फिर उसकी स्मेल मास्टर को आती है, तो वो मन में सोचते हैं कि इसकी खुशबू से ही पता चल रहा है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो अब जैसे ही वो पिल रेडी होती है तो तुरंत जिंग उसे फर्नेस से बाहर निकाल लेता है। अब बाहर निकालने के बाद जब उसे देखता है तो तुरंत मास्टर को देता है और कहता है कि मास्टर देखिए, ये पहले वाली से बहुत ज्यादा अलग लग रही है। तो अब मास्टर उस पिल को लेकर चेक करते हैं और बहुत ज्यादा शॉक होकर खुशी के साथ कहते हैं कि अरे, ये तो प्रीमियम स्प्रिट टेम्परिंग पिल है। अब ये तो हमें नहीं पता कि इस प्रीमियम स्प्रिट टेम्परिंग पिल क्या होती है, पर मास्टर शॉक भी लग रहे हैं, और अब उन्होंने इतना अच्छा नाम भी बताया है तो जरूर ही वो एक पावरफुल मेडिसिन ही होगी। अब फिर मास्टर थोड़े नॉर्मल हो जाते हैं और जिंग से कहते हैं कि तुम्हारी एल्केमिक टेक्निक इतनी भी बुरी नहीं है, बस तुम्हें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, इसलिए तुम्हें थोड़ी हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। फिर मास्टर जिंग से कहते हैं कि तुम यहाँ पर ट्रेनिंग करो जब तक मैं बाहर का कुछ काम निपटा के आता हूँ। तो अब जिंग उन्हें हाँ कह देता है और अपनी एल्केमिक टेक्निक की प्रैक्टिस में लग जाता है। अब मास्टर वही खड़े होकर सोचते हैं कि आखिर ये लड़का है कौन और इसके पास इतनी अच्छी स्किल्स कैसे हैं। और फिर मास्टर वहाँ से चले जाते हैं और कमरे के बाहर आने के बाद उन्हें वहाँ शियोन दिखता है, तो वो शियोन को अपने साथ चलने का इशारा करते हैं और शियोन उनके पीछे पीछे आने लगता है। तो अब वो उस जगह से बाहर आ गए थे जहाँ पर मास्टर शियोन से पूछते हैं कि आखिर तुम इतना टैलेंटेड लड़का कहाँ से ढूंढ कर लाए हो। तो अब शियोन उनसे कहता है कि आप टैलेंटेड लड़का किसको, जिंग को कह रहे हो क्या? तो मास्टर उसे कहते हैं कि हाँ। तो अब शियोन स्टार्टिंग से बताता है कि जब मैं डेसिपस ढूंढने के लिए जुआन लिंग सेक्ट गया था तो वहाँ पर मैं जिंग से मिला, जो कि वहाँ का नया लीडर बन चुका है। दरअसल उसने वहाँ के मास्टर और एल्डर्स को हराकर वहाँ से भगा दिया है और अब खुद वहाँ का मास्टर बन चुका है। तो इस पर मास्टर उसे कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, वहाँ के मास्टर और एल्डर्स तो बहुत ही पावरफुल थे। तो शियोन उनसे कहता है कि हाँ, मुझे भी नहीं समझ में आया कि वो कैसे पॉसिबल है। वैसे मुझे तो ऐसा लगता है कि जिंग किसी पावरफुल मास्टर का स्टूडेंट होगा जिन्होंने जिंग को इतनी पावरफुल चीजें सिखाई हैं, और इसी के साथ वो अभी अभी मॉर्टल वर्ल्ड में आया है और यहाँ के मास्टर और एल्डर्स को इतनी आसानी से हरा पाया है। अब मास्टर शियोन से कहते हैं कि जिंग जो मेडिसिन बना रहा है उन्हें तुम लेकर स्टूडेंट्स में बांट दो, जिससे जिन्हें भी उनकी जरूरत हो वो ठीक हो सके। और फिर मास्टर कहते हैं कि वैसे मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर जिंग को अपना स्टूडेंट बनाकर रख सकता हूँ, क्योंकि मैं जितना जानता हूँ उतना वो सब कुछ बहुत जल्दी सीखने ही वाला है। अब वहाँ से चेंज सीन होता है और हम देखते हैं कि जिंग बहुत देर से प्रैक्टिस कर रहा था, तो अब वो रुकता है और सोचने लगता है कि यहाँ के मास्टर ने तो मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है, लेकिन अभी भी मुझे और कुछ भी जानना है। तो फिर वो दूसरे स्क्रॉल्स और बुक की तरफ आगे बढ़ता है और उन्हें पढ़ने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि मास्टर भी वहीं से जा रहे थे, तो वो जिंग को देखते हैं और सोचते हैं कि आजकल के बच्चों में तो पेशेंस ही नहीं है, उन्हें हर कुछ एक ही साथ सीखना है, जिसकी वजह से वो उस चीज को भी नहीं सीख पाते जो वो सच में सीखना चाहते हैं। अब मास्टर वहाँ से चले जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि अब 10 दिन का समय बीत चुका है और 10 दिन बाद सीन जिंग के पास ही स्टार्ट होता है। तो हम जिंग को देखते हैं कि जो कि एक स्क्रॉल को रखे हुए था और कह रहा था कि यहाँ पर स्क्रॉल में और बुक में कितने ज्यादा सीक्रेट्स लिखे हुए हैं और साथ ही साथ ये कितने ज्यादा अलग अलग लैंग्वेज में है। और फिर उसके बाद हम वही रखे हुए बहुत सारे स्क्रॉल्स और बुक्स को देखते हैं और फिर जिंग खुद से कहता है कि मुझे तो पूरे 10 दिन लग गए इन सभी को खत्म करने में। और फिर तभी मास्टर वहाँ पर आ जाते हैं जो कि जिंग से कहते हैं कि तुम इस स्क्रॉल को पढ़ रहे थे, क्या तुम्हें इस स्क्रॉल को पढ़ने में 10 दिन लग गए? ये तो मैं तुम्हें समझा देता, तुमने फालतू में 10 दिन लगाए। तो अब जिंग पहले तो उन्हें थैंक यू बोलता है और फिर कहता है कि मास्टर दरअसल मैंने यहाँ पर रखे सभी स्क्रॉल्स और सभी बुक्स को पढ़ लिया है। अब मास्टर की तो ये बात सुनते ही दुनिया हिल गई थी और वो जिंग से पूछते हैं कि क्या तुमने सच में ये सारी कलेक्शन को सिर्फ 10 दिन में पढ़ लिया है? तो अब जिंग उनसे कहता है कि हाँ, मैंने हर चीज पढ़ ली है अच्छे से, क्योंकि मुझे एक बुक मिली थी सीक्रेट रूल ऑफ इमोर्टल नाम की, तो उसमें एक आर्ट ऑफ एलिजमेंट का नाम का स्पेल था जिससे कि आप किसी भी बुक के स्क्रॉल में 10 लाइंस को एक साथ देखकर पढ़ सकते हो, तो इसीलिए मैं इतनी सारी बुक्स को इतनी जल्दी पढ़ पाया। तो अब मास्टर जिंग से कहते हैं कि अच्छा, तो ऐसी बात है। और फिर मास्टर उसे बुक के बारे में पूछते हैं कि वो बुक कहाँ रखी हुई है, तो जिंग जाता है और एक कबर में से उस बुक को लाकर मास्टर को दे देता है और कहता है कि यही रही वो आर्ट ऑफ एलिजमेंट की बुक। अब मास्टर उस बुक को ओपन करके देखते हैं, लेकिन उन्हें उसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसमें सब बहुत ज्यादा हार्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ था। तो अब मास्टर जिंग से कहते हैं कि शाम को मैं तुम्हें कुछ टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा और तुम भी मुझे आर्ट ऑफ एलिजमेंट की टेक्निक के बारे में सिखा देना।
तो अब जिंग उनसे कह देता है कि ठीक है। अब फिर मास्टर उससे पूछते हैं कि क्या तुमने सच में कलेक्शन की सभी बुक को पढ़ लिया है, क्योंकि मैंने अभी तक इनमें से कोई तो सही से देखी भी नहीं है। तो अब जिंग उनसे कहता है कि ये इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है जितना आप समझ रहे हो। तो अब मास्टर ये सुनते ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये तुम्हें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता। और अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।